कल अरुण हल्दर जी ने मीडिया से संबोधन करते समय ये कहा कि समीर वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमें लगता है हल्दर जी, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसकी गरिमा रखिए। आयोग की कार्य प्रणाली है, कोई चिट्ठी कोई दे तो उसको कहीं ना कहीं जांच करना जरूरी हो जाता है। प्रक्रिया पूरी करके लोगों को सम्मन किया जा सकता है, मजे उन्हें सिविल कोर्ट के राइट है, वो लोगों को बुलाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में रख सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि ये आप सरकार करे। कंप्लेंट मिल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, आपको एक पद पे बिठाया गया, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप सारी जांच शुरू करते, लेकिन मीडिया में आके सीधे आपने कह दिया कि वानखेड़े परिवार ने कभी धर्म परिवर्तन किया ही नहीं। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान हैं। उनके पिताश्री ने धर्म परिवर्तन किया था, दोनों बच्चे बचपन से मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह जिए। हमने उनकी शादी का मामला उठाया था, लेकिन कल हमने एक व्यक्ति का फोटो ट्वीट किया जो समीर वानखेड़े जी के बहनोई हैं, और वो आज विदेश के यूरोप के वेनिस में शायद कहीं रहते हैं, सूरत के मूलतः वो रहने वाले हैं। और ये विषय हमने आगे लाया, और जिनके वो शौहर हैं, पति हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये मेरा पति तलाक हो गया, क्यों इनको सामने ला रहे हैं, मैंने नहीं लाया। अगर आपका आयोग सर्टिफाई करेगा तो हमें भी जो अधिकार हैं उस अधिकार के तहत हम महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री को कंप्लेंट करेंगे, स्क्रूटनी कमेटी को लिखेंगे, और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट हो रही है। मैं अपने बात पे कायम हूँ कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं, एक गरीब शेड्यूल कास्ट का अधिकार उन्होंने छीना है। मैं धर्म की जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, दलितों के अधिकार को छीना, वो लड़ाई है। और हमें लगता है हल्दर जी, आप कब बने मुझे पता नहीं, लेकिन आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद की गरिमा मलिन ना करें, मैं आपसे विनती करता हूँ।